हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे एकदम बढ़िया होंगे। तो आज हम निकल चुके हैं, आज है संडे, तो हम निकल चुके हैं घूमने के लिए। तो जैसे कि हरिद्वार में पहली बार जो लगा है फिश एक्वेरियम वर्ल्ड, तो वही देखने हम जा रहे हैं। तो ये है ऋषिकुल मैदान, यहाँ पर ये लगा है फिश एक्वेरियम वर्ल्ड, तो ये देखने जा रहे हैं हम। और अभी चलते हैं अंदर, एंट्री करते हैं और आप लोगों को भी लेकर चलती हूँ। जैसे हम यहाँ पर एंट्री करते हैं तो अंदर जाते ही यहाँ पर हमको टिकट्स लेने पड़ते हैं। तो 80 रुपीज़ पर पर्सन का यहाँ पर टिकट्स लगाया हुआ है। और मेले के लिए कोई चार्ज नहीं, मेले पर अंदर जा सकते हैं। और एक्वेरियम वर्ल्ड के लिए 80 रुपीज़ चार्ज है। तो यहाँ से अंदर, तो अभी देखते हैं, आपको दिखाते हैं कैसा लगा है अंदर से, क्या क्या है यहाँ पर। और यहाँ पर साथ ही में ना गणेश महोत्सव भी चल रहा है, तो उसके बहुत भजन वगैरह चल रहे हैं, तो साथ साथ अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर काफ़ी दुकानें इस तरह से स्टॉल वगैरह चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है। और शाम के टाइम में बहुत झूले वगैरह और यहाँ पर छोटे छोटे इस तरह से चीज़ें मिल रही हैं, और बहुत ही कम प्राइस में सामान वगैरह मिल रहा था यहाँ पर। और ये देखिए काफ़ी लोग जो है यहाँ पर, अब चलते हैं अंदर कैसे कैसे, और आपको दिखाऊंगी हम कौन कौन सा झूला झूलते हैं। तो बच्चों को बहुत दिनों से था कि हम भी देखने चलेंगे। तो ये जो फेयर है अभी 24 सितंबर तक रहेगा। तो अगर आप लोग भी हरिद्वार में रहते हैं और अभी तक यहाँ देखने नहीं गए तो एक बार देखने ज़रूर आना। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करते हुए चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हुए चलती हूँ। तो अगर आप वीडियो में नए हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अब बच्चों को जो है झूला वगैरह झूलना है, तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा झूला मैं उनको झूलाऊंगी। तो यहीं पर साथ ही में गणेश महोत्सव हो रहा है, तो चलिए सबसे पहले चलते हैं गणपति पापा का आशीर्वाद लेने के लिए, गणपति पापा के दर्शन के लिए। उसके बाद जो है मेला घूमेंगे। तो ये चलते हैं अंदर और आपको दिखाती हूँ। गणपति बापा के दर्शन में करके आ गई हूँ, आप लोगों को भी मैंने दर्शन करा दिया। अब चलते हैं आगे और यहाँ पर चलते हैं झूला। तो यहाँ पर खाने वगैरह के स्टॉल वगैरह भी, तो पीयू को यहाँ पर झूला झूलना है। तो पीयू लगे यहाँ पर ये मिक्की माउस वाले झूले झूलने में, तो उसको बड़ा शौक हो रहा था, पर जैसे ही वो उसमें गई ना, तो पहली बार में डरने के बाद वो उसमें फिर गई नहीं। यहाँ पर ना इसका चार्ज भी 50 रुपये था। पीयू जैसे ही गई ना पहले राउंड में, उसको डर लग गया, उसके बाद वो गई नहीं, तो उसकी जगह फिर हमने अंशु को भेजा। तो 3-4 चक्कर अंशु ने भी मतलब इसमें किया, तो इस हिसाब से फिर अंशु को बनेगा चल तू भी चले जा इसके बदले, क्योंकि वही है ना फिर पैसे वेस्ट जाते। तो
तो फिर अंशु चला गया था उसकी जगह। तो अंशु को तो बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि अब वो बड़ा हो गया, तो वो बोल रहा था नहीं मुझे नहीं झूलना है बच्चों वाला। तो फिर थोड़ा बहुत उसने करा इसमें, और उसके बाद फिर हम चले आगे। और अंशु को वैसे ज़्यादा शौक वगैरह भी नहीं है, वो ऐसे जिद वगैरह भी नहीं करता है, तो वैसे तो दोनों ही नहीं करते हैं अब कुछ लेने के लिए। तो देखते हैं अभी क्या लेते हैं मेले से। तो आप लोग भी वीडियो बने रहिए मेरे साथ और इन्जॉय करना। ये देख आइसक्रीम वाला झूला। रहना कुछ है तुझे, रहना कुछ देख ले, फिर लेना है तो ले ले। और यहाँ पर कर रहा है अंशु अपनी फेवरेट चीज़, तो उसको ना यहाँ बहुत सारे क्यूब रखे हुए दिख रहे थे जो ऐसे उस तरह से पजल हो रखे थे, तो बोला मैं इनको सही करूँगा, तो वही लग गया। तो देखते कितने टाइम में इसको सॉल्व करता है, आप लोग भी देखना। और क्या करना है तेरे पास? ये सब पीछे का अपना, ये हाले भी लीजिए, खराब हो जाएगा फिर। हाले ठीक है, पहले देख लेते हैं, घूम लेते हैं, घर जाते हैं बात तो मुझे घर जाने तक ना इधर उधर लग लग के खराब हो जाएगा यार, खराब कर दी मेरी। एक मिनट दस सेकंड, हाँ एक मिनट दस सेकंड हो गया, वेरी गुड। आया थोड़ा मजा कि नहीं आया? अगर नहीं लाया तो है? तू एग्जाम में नंबर तो ला। अगर नहीं लाया तो? तो यहाँ पर हमने मेला वगैरह जो है घूम लिया है। एक्वेरियम जो है हमने नहीं देखा है, एक्वेरियम टर्नल, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, काफ़ी लंबी लाइन चल रही थी टिकट्स वगैरह के लिए, तो इस वजह से हम नहीं गए हैं देखने के लिए। और वैसे बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया, झूला वगैरह झूला, चीज़ें वगैरह हमने कुछ नहीं ली क्योंकि बच्चों ने बस खाने के लिए कैंडी वगैरह ले ली थी और झूला वगैरह झूला। और अब चलते हैं घर। इस वीडियो में इतना, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।